का जो मैच है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? दुआ तो है बांग्लादेश जीते। क्यों, ऐसी क्या दुआ है? इंडिया को सपोर्ट नहीं ना करते, इसलिए इंडिया को सपोर्ट नहीं करते और वो पॉइंट टेबल से भी नीचे आते। चले फिर भी बांग्लादेश को जीतना चाहिए हमारे ख्याल से। जो बेंगलुरु में एक वो कैफे में या एक प्लाजे में जो ब्लास्ट हुआ है, देखे वो अब फोटोशॉप करके तस्वीरें लगाई जा रही हैं कि लाइक ये पाकिस्तान की टीम खड़ी हुई है और इसके पीछे जो बिल्डिंग है उधर ब्लास्ट हुआ है। फोटोशॉप करके ये तस्वीरें लगाई जा रही हैं पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर। इंडियन मीडिया है उसमें ये बताया जा रहा है कि शायद ये फेक न्यूज़ है, इस तरह की कोई खबर है ही नहीं, कोई सिरे से कोई एक्सप्लोजन हुआ ही नहीं है। हमारे ट्विटर के ऊपर भी इवन एक्सप्लोजन जो है वो ट्रेंड कर रहा है, कोई धमाका हुआ है भारत के शहर बंगलुरु में जहाँ पे पाकिस्तान की टीम ठहरी हुई है और हेट फैलाई जा रही है जो कि नहीं फैलानी चाहिए। देखो हम मुसलमान हैं और सच्चाई का साथ दो। मैं आपको ये बोलूंगा यार, सच्चाई का साथ दो, जो सच्ची बात है वो करो। इंडिया माशाल्लाह, अल्लाह पाक उसे और दे, इंडिया को तरक्की दे। वो पैसा इतना फेंकता कोई भी टीम हो जाती, मतलब ठीक है अपसेट होते हैं वर्ल्ड कप में, लेकिन ऐसे अपसेट नहीं होते। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज़ 2 में। दोस्तों आज इंडिया और बांग्लादेश का मैच है और पाकिस्तान के लोग वो सोच रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि भाई आज बांग्लादेश जीत जाए इंडिया से, और किसी तरह उनकी जो पाकिस्तान की जो हार हुई थी, जो कितनी करारी हार हुई थी पाकिस्तान की इंडिया से, उसी का बदला आज बांग्लादेश ले ले। और इसी वजह से आज पाकिस्तान के लोग भी बड़े सपोर्ट में है बांग्लादेश के। वहीं दूसरी ओर एक सोशल मीडिया पर एक खबर उड़ रही है कि भाई बेंगलुरु में एक कैफे में ब्लास्ट हुआ है और वो पाकिस्तान की टीम जहाँ होटल के अंदर रह रही उसके आसपास कहीं हुआ है, लेकिन ये फेक खबर है जो पाकिस्तान की तरफ से उड़ाई गई है। और इसमें ऐसा कोई बात नहीं है कि जो एक रेस्टोरेंट है उसमें आग तो लगी है, लेकिन वो कोई ब्लास्ट ब्लास्ट कुछ नहीं हुआ, वो एक नॉर्मल सी जैसे कोई घटना घटती है उसी तरह के कोई एक इंसिडेंट हुआ है। और पाकिस्तान की टीम बिल्कुल सेफ है और जितने भी पाकिस्तान मीडिया में ये हलचल हो रही है और पाकिस्तान मीडिया के जो टीवी चैनल पर बैठे लोग वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम को खतरा है, वहाँ पर सेफ नहीं है पाकिस्तान की टीम, इंडिया को अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई रिस्क नहीं है किसी बात का। इंडिया ने फुल सिक्योरिटी टाइट कर रखी है और ये पाकिस्तान के लोग हैं ये हमेशा ऐसे ही करते रहते हैं बकवास। देखते हैं पाकिस्तान मीडियम क्या रिएक्शन है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखें इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के मैच में, क्योंकि आजकल रेड हॉट फेवरेट देखें तो इंडिया ही चल रही है और साथ में साउथ अफ्रीका ही चल रही है, तो इसमें साउथ अफ्रीका इसलिए मैच हारी है कि उनका ना एक साइकोलॉजिकल बना हुआ था कि लास्ट टाइम जो नेदरलैंड ने उनको एक डिफीट दी थी, और ये है कि इस दफा बॉल अच्छा गया और कैप्टेंसी ने बहुत मैटर किया नेदरलैंड की, जिसकी वजह से वो मैच विन कर गए। कल क्या लगता है, क्योंकि बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ हमेशा बहुत अच्छा खेलती है, 2007 का अगर हम मैच देखें तो उसकी वजह से इंडिया आउट हुआ था, तो कल क्या लगता है, क्या प्रेडिक्शन है कि कौन जीत सकता है? देखें लास्ट चार मैचेस जो हैं, चार ODI मैचेस जो हैं लास्ट, वो इंडिया हार चुका है बांग्लादेश से ना, तो लास्ट 4 मैचेस कंसेक्यूटिव हारने के बाद जब इंडिया से मतलब मैच हो रहा हो, मुकाबला होगा, तो साफ जाहिर है इंडिया पे प्रेशर होगा, लेकिन जब उनका आपने क्राउड देखा, उनका क्राउड उनको इस तरह से सपोर्ट करता है कि सामने वाली टीम वैसी प्रेशर के अंदर आ जाती है। और जब जिधर जिस होटल में या जिस स्टेडियम में जहां पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस कर रही थी, ये वाकया उधर से बहुत दूर हुआ है, ये वाकया उधर से बहुत दूर हुआ है। इन्होंने कुछ व्यूज लेने के लिए, अपना चूरन बेचने के लिए, कुछ हेट फैलाने के लिए, कुछ दुश्मनी निकालने के लिए ट्विटर के ऊपर कुछ हैं लोग जो है वो नेगेटिविटी फैलाने में, जिन्होंने गलत काम करने में टॉप किया हुआ है, जिन्होंने गलत काम करने में अव्वल किया हुआ है, और उनको शर्म नहीं आती कि आपकी अपनी टीम इस टाइम इंडिया में है, आपकी अपनी टीम इस टाइम इंडिया में खेल रही है, लेकिन आप गलत बातें फैला रहे हो। क्या पाकिस्तान टीम जिधर प्रैक्टिस कर रही थी या जिधर पाकिस्तान टीम का होटल है उसी होटल में ब्लास्ट हुआ है, उसी होटल में आग लगी है, ऐसा तो हुआ ही कुछ नहीं है। और फिर फोटोशॉप करके आप लोग वो तस्वीरें लगा रहे हो, फोटोशॉप करके आप लोग वो तस्वीरें लगा रहे हो ताकि जी उधर से ये पता चले कि पाकिस्तान टीम तो इंडिया में सेफ नहीं है, पाकिस्तान टीम को वापस बुलाओ। और भाई आपको शर्म नहीं आती? सुनने में ये आ रहा है जो सोर्सेज ये बताते हैं कि जी हुआ है, वो कहते हैं कि ये कोई एक्सप्लोजन किसी रेस्टोरेंट में हुआ है, और रेस्टोरेंट में भी जो एक्सप्लोजन हुआ है वो बेसिकली कोई शायद गैस सिलेंडर वगैरह फटने का कोई धमाका हुआ है, अदरवाइज कोई इतनी सीरियस चीज़ नहीं है। बहरहाल जो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस थोड़ा परेशान हुए हैं कि ये किस क्या मामला हुआ, तो वो मतलब दे कैन स्लीप
परफेक्टली, वो आसानी से आराम से सुकून से सो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की टीम वहाँ पे मुकम्मल तौर पे सेफ है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद पाकिस्तान टीम्स। कभी आप कोई तमाशा निकाल लेते हो, कभी कोई रंडी रोना निकाल लेते हो, कभी बहलते हो कि हम इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच बाइकॉट करेंगे, हमने जी पीसीआई को नाकाम करना है, ये करना है। उधर जो है पीसीबी वो शिकायतें दे रहा है आईसीसी को कि जी बीसीए मरसद ये कर रहा है वो कर रहा है। तो यार मेरी बात सुनो, जिधर पाकिस्तान टीम इधर है इस टाइम है ना बेंगलुरु में, ये वाकया उधर से बहुत दूर हुआ है और ये कोई इतना बड़ा वाकया नहीं था। आग लगी है और वो फिर उसको कवर कर लिया गया। पाकिस्तान में ये बातें कर रही है कि जी बीसीआई किधर है, बीसीआई का इंतजामिया किधर है, पुलिस किधर है, उनको ये ख्याल रखना चाहिए था कि आपके शहर में पाकिस्तान टीम भी है, आपने जो है वो गलत हरकतें की, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी शो नहीं की, आपको जो जिम्मेदारी दी गई थी आपने उसमें जो है वो सही तरह अदा नहीं कर पाए, हमारी टीम को सेफ नहीं रख पा रहे, हमें डर लग रहा है कि हमारी टीम सेफ नहीं है उधर। बाबर आजम से पूछना पाकिस्तान टीम उधर सेफ है या नहीं सेफ। ये बात शाहीन अफरीदी ने की थी कि जिस तरह हम पाकिस्तान में फील करते हैं जितना सेफ उतना सेफ हम इंडिया में फील कर रहे हैं, ये बात शाहीन अफरीदी कर चुका है। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो बहुत दूर एक प्लाजे में किसी वजह से आग लगी थी, ठीक है, पाकिस्तानी टीम बहुत दूर थी, कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। लेकिन घटिया लोग कुछ होते हैं भाई साहब, उन्हें ऐसा चाहिए होता है, वो जो है वो ढूंढते रहते हैं कि कोई स्टेडियम में कोई कुर्सी गंदी हो भाई साहब, उसकी वीडियो बना के हम वायरल कर लें, कोई जो है वो कहीं पर कुछ भी मिल जाए तो हम जो है होस्ट को बदनाम करने की कोशिश करें, ठीक है। और फिर जो है वो ऐसे कई बार जो ऐसा हो चुका है, और फिर एक दूसरे से बदले लेने के चक्कर में क्या क्या नहीं हो जाता है, ठीक है। तो बहरहाल जो है वो ये एक जो है फेक न्यूज़ थी भाई, झूठी न्यूज़ थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, और जो है बिल्कुल जो है एक जो है वो आप ये कह सकते हैं ब्लंडर जो है छोड़ा गया, जो कि मेरा मकसद है आपको बताना भाई साहब कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कि वैसे ही जो है वो दूसरे को बदनाम करने के लिए या जो है वो बहाने ढूंढते रहते हैं लोग जो ट्रोल करने के, वो ऐसी हरकतें करते हैं, ठीक है। 3 अक्टूबर को मैच है, क्या लगता है इंडिया जीतेगा या फिर बांग्लादेश? ऑब्वियसली इंडिया हॉट फेवरेट है मैच के लिए, और अपसेट होने को हो भी सकता है, लेकिन इंडिया इतना बेवकूफ नहीं है कि इतनी छोटी टीम के खिलाफ मैच दे देगा। लेकिन बांग्लादेश हमेशा बड़ा अच्छी तरह खेलता है इंडिया के खिलाफ, 2007 में इंडिया को इन्होंने वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था, बहुत अच्छी तरह खेलता है जब इंडिया के खिलाफ खेलता है। आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करूंगा मैं, लेकिन इंडिया जो है ना वो कह लें कि वो एक मकरू चेहरा होता है ना, उनका मकरू चेहरा इस सब पूरी दुनिया के सामने है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, उनकी बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है, उनकी मतलब की पिचेज हैं, उनका होम ग्राउंड है, उनका अपना क्राउड है, उनको ये 3-4 एडवांटेजेस हैं। फिर वो IPL अपनी पिचेज पे खेलते हैं, उनको अपनी पिचेज का बहुत अच्छी तरह आइडिया है, फिर क्राउड का एडवांटेज होता है। और इंडिया अगर जीत जाने की इतना बड़ा इवेंट करवा रहा है तो वो मेरा नहीं ख्याल कितनी छोटी टीम से हारने की कोशिश भी करेगा। हाँ, एक मोटी तौर पर कोई अपसेट हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, बट 99% चांसेस यही है कि इंडिया मैच सीधा जीतेगा।